कोरोना वायरस का असर अब होली के त्योहार पर भी दिखाई दे रहा है। इस वायरस के चलते राजधानी देहरादून में होली का त्योहार फीका नजर आ रहा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और काफी कम लोग ही बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं होली से पहले बाजारों में पसरे सन्नाटे के कारण दुकानदार भी काफी मायूस है। दुकानदारों की माने तो होली के पहले लोग रंगों और पिचकारियों की खरीदारी करने के लिए उत्साह से बाजारों में नजर आते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब बाजारों में सन्नाटा पसरा है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वजह से चीन और उसके आसपास के देशों से आयात निर्यात पूरी तरह बंद है, जिसकी वजह से बाजारों में होली के त्योहार का सामान नहीं पहुंच रहा। चाइनीज माल कोई नहीं है सर, सब इंडियन मेड है, इंडियन में ही बनता है और इंडियन का ही बिक रहा है। कितना असर है कीमतों पर? कीमत चाइना की वजह से बढ़ी हुई है, क्योंकि जो चाइना का माल नहीं आया उससे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हुआ है, उससे इंडियन माल में भी कीमतों में असर है। वैरायटी शॉर्ट हुई है क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं, होली में कोई इतना बड़ा असर नहीं है वैरायटी का। कुछ चीजें ऐसी होती जो आप मंगाने के लेटेस्ट नहीं आ पा रही है। चाइना का माल तो है ही नहीं। रखो, अच्छा, जो कीमतें बढ़ी है उसका कितना असर पड़ रहा है कारोबार? कारोबार पे बंदी का असर है, कीमतों का असर इतना नहीं है जितना बंदी का असर है। अच्छा, अगर कीमत बढ़ती है तो ग्राहक कमाते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना परसेंट मान लें? 20% लगभग बढ़ा हुआ है, 15-20% ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है कारोबार। जी, कारोबार में भी इतना नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि सारे देश में जिस तरह से एक माहौल बन रहा है कोरोना के, उसमें की बहुत लोग बहुत दहशत में हैं। वैसे यहाँ तो भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में कुछ के हिसाब से आ चुके हैं, सुनने में आ रहा है, पेपर में पढ़ने को मिल रहा है ऐसा। तो काफ़ी व्यापार प्रभावित होगा होली का, क्योंकि व्हाट्सएप में आप देख रहे हैं बहुत मैसेज चल रहे हैं कि आप चाइना से आए हुए गुब्बारे ना खरीदें, चाइना से आए हुए रंग ना खरीदें, चाइना से आए हुए पिचकारी ना खरीदें। तो उससे काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो त्यौहार है हमारा आजकल माल दिवाली में भी चाहे देखो चाहे होली में आ रहा है, चाइना में भी आ रहा है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है लोगों को, तो काफ़ी फर्क पड़ेगा इसका व्यापार के ऊपर। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीज भारत में भी मिल रहे हैं, इस वजह से उन्हें बाजारों में खरीदारी का डर भी सता रहा है, इसलिए वो इस बार बाहर देश से आने वाले रंगों से परहेज कर रहे हैं। तो वैसे ही खेली जाएगी जैसे खेली जा रही थी, बस रंगों का इस्तेमाल जो बाहर का था वो उम्मीद है कि इस बार हम बाहर के इस्तेमाल ना करके अपने घर के इस्तेमाल करेंगे, अपने देश के इस्तेमाल करेंगे। दरअसल कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, यही वजह है कि लोगों में इस वायरस का डर बढ़ता ही जा रहा है और इसी की वजह से लोग सावधानी बरत रहे हैं। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।